सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले और बकले के दाल की टिक्की, और इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और यह बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया आधा किलो कच्चा केला, इसका छिलका उतार दिया है। हमने लिया है 150 ग्राम बकले का दाल जिसे हम भिगो लिए हैं, और हमने लिया है ढेर सारी मिर्च। अब हम केले को ग्रेटेड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने सारे केले को ग्रेटेड कर लिया है। बकले और मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए बकले का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेटेड किया हुआ केला और स्वाद अनुसार सेंधा नमक को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम टिक्कियों को तावे पे बनाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और कुछ इस तरीके से टिक्की बनाएंगे। हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा 2 मिनट हो गया है, हम इसे पलट लेते हैं। इसे भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे चारों तरफ से। ये देखिए हमारा टिक्की बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार हो चुका है। इसे चाय के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है चाय के साथ। आप इसका स्वाद तभी जान पाएंगे जब इसे घर पे बनाकर ट्राई करेंगे। अगर आपको यह टिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।